मेट्रो निर्माण कार्य के चलते वजीराबाद रोड पर लगने वाले घंटों के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पहल की है। वजीराबाद रोड पर स्थित सांसद बेस कैंप कार्यालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष मास्टर सतपाल सिंह, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, सांसद के प्रतिनिधि के रूप में मीडिया विभाग के प्रदेश सह प्रमुख आनंद त्रिवेदी, सांसद निजी सचिव अंबिकेश पांडे, सादरा उत्तरी क्षेत्र के सहायक आयुक्त सुनील त्रिपाठी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता सुनील कटारिया, यातायात पुलिस के निरीक्षक सत्येंद्र मोहन, मंडल अध्यक्ष मुकेश गोयल सहित संबंधित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सभी अधिकारियों ने लगभग 1 किलोमीटर लंबे वजीराबाद रोड क्षेत्र का निरीक्षण किया और कार्य योजना तैयार की। एक्चुअली मेन जो अभी प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रैफिक कंजेशन की आ रही है, ट्रैफिक जाम लग रहा है इस रोड पर, क्योंकि मेट्रो का काम शुरू हुआ है। तो हम लोगों ने ये बैठक इसीलिए करी थी कि किस तरह से इस समस्या का निदान किया जाए। इसमें हमारे नेता सदन भी आए थे, प्रमोद जी भी आए हुए हैं, और यहाँ के तमाम मेट्रो के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि इसका एक सलूशन ये है कि हम रोड में जो दोनों तरफ सर्विस लेन हैं उनको फंक्शनल करें, उन पर ट्रैफिक स्मूथ कराएँ, जिससे कि जो रोड की विड्थ कम हुई है मेट्रो के कारण उसको हम कॉम्पनसेट कर सकें सर्विस लेन पर। मगर सर्विस लेन में इंक्रोचमेंट बहुत है और हर तरह की इंक्रोचमेंट है, टेम्प्रेरी भी है, परमानेंट भी है, गाड़ियों की है, रेडियो पर हर तरह की इंक्रोचमेंट है। तो उनको हटाने के लिए एक मैसिव इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं, उसी के सिलसिले में ये मीटिंग थी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि क्या हालात हैं वजनपुरा रोड पर जाम के कारण बने हुए हैं। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए, सड़क कितना अतिक्रमण आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां मेट्रो के काम चलने से ही नहीं बल्कि इस अतिक्रमण के कारण भी जाम लगता है। इन हालात से परेशान जनता ने सांसद मनोज तिवारी का दरवाजा खटखटाया तो सांसद मनोज तिवारी ने फौरन इस समस्या के समाधान के लिए तुरंत संज्ञान लेते हुए आज का दौरा करा, अधिकारियों के संज्ञान में लगातार तुरंत समाधान करने का निर्णय लिया। देखिए, लगातार क्षेत्र से समस्याएं आ रही थी ट्रैफिक जाम की, और मेट्रो का काम चलने के कारण यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो हम सब लोगों ने सबने माननीय सांसद जी से संपर्क किया, सांसद जी ने आज पहल लेते हुए सभी अधिकारियों को यहाँ पर एकत्र किया और एक जॉइंट कमेटी टाइप बना कर उसमें DMRC के अधिकारी रहे, उसमें नगर निगम के अधिकारी रहे, उसके अंदर पुलिस के अधिकारी रहे और सांसद कार्यालय से लोग रहे। सभी लोगों ने मिलजुल कर, हम MCD के लोगों ने भी मिलकर उस समस्या को देखा और बैठकर बैठक में पॉइंट आउट किया और एक उसके मिनट्स बनाए गए हैं कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और जॉइंटली उसको समस्याओं का कैसे निदान हो सकता है, बैठकर उन समस्याओं का निदान करने की डिस्कस की है। और मुझे लगता है बहुत सार्थक पहल हमारे सांसद जी के द्वारा ये की गई है, सब लोग मिलजुल कर इस समस्या को जाम मुक्त करेंगे और इस उत्तरी पूर्वी लोकसभा का ट्रैफिक स्मूथता के साथ आगे बढ़ सके। देखिए, माननीय सांसद जी के आदेशानुसार हम लोगों ने आज अधिकारियों के साथ ये दौरा रखा। क्षेत्र की जनता जाम की समस्या से त्रस्त थी, वो आप भी देख रहे हैं। विकास का काम हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है, तो उसमें जो जाम की समस्या आ रही थी उससे क्षेत्रीय जनता सांसद जी को शिकायत कर रही थी और कई बार लोग पहुँचे भी हमारे आवास पे, यहाँ भी सांसद जी आते थे तो लोग यही पूछते थे, सांसद जी ये जाम लग जाता है, हम लोगों को निकलने में घंटों लग जाते हैं, कैसे होगा। आज उसी के जाम को हटाने के लिए हम लोग अधिकारीगण के साथ ये विजिट किए हैं और आशा करते हैं कि ये जाम जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा, सर्विस लेन और सारी जो भी जहाँ भी ऐसा संभव होगा जहाँ से गाड़ियाँ स्मूथ जा सके उसको पूरा करेंगे और माननीय सांसद यही चाहते थे। सांसद श्री मनोज तिवारी जी को बार बार शिकायत जा रही थी वजीराबाद रोड के ट्रैफिक जाम की, आज उन्हीं की पहल पर, सांसद श्री मनोज तिवारी जी के पहल पर ही जाम मुक्त वजीराबाद रोड होना चाहिए और उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए एक बैठक सांसद जी के बेस कैंप में बुलाई गई थी, जिसमें मेट्रो के हमारे एक्सियन साहब हैं, AC सादरा नॉर्थ जोन हैं, निगम पार्षद हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सत्यपाल जी थे और सबने मिल के ये तय किया है और विचार विमर्श किया है कि किस तरह हम वजीराबाद रोड को बिल्कुल एकदम स्मूथ ड्राइव के लायक रोड बना सकें। जिस तरह से वजीराबाद वजनपुरा रोड पर जनता परेशान हो रही है और सांसद के द्वारा इस परेशानी का शीग्र समाधान के लिए प्रयास से साफ जाहिर है कि सांसद मनोज तिवारी अब अपने क्षेत्र की जनता की हर परेशानी का समाधान प्राथमिकता के साथ पूरा कर रहे हैं। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।